मुख्तार को जानता नहीं भाई यार, क्यों सॉरी कहवा रहा हम पे। लड़का है, चलो 50,000 देंगे वो मेरे को टेंट तानेगा, कौन कहता है। बीजेपी वाला आएगा उसके सामने जायदा खान की टक्कर होगी। ये मुख्तार वगैरह हुआ चो कोई, अब ये क्या नाम ताहिर का छोरा ताउल्ला, ये बकवास और ऐसी गंदी बातों से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। अपने समाज की बेइज्जत करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो जायदा खान को वोट है और हिंदू लोग बीजेपी वाले वोट देंगे, दो ही नेता जीतेंगे। सीधी बात, जायदा और नसर खान के बीच मुकाबला होगा, मतलब ही नहीं। नसर को कोई वोट कौन दे रहा है यहाँ, बीजेपी का टिकट लेके तो भी नहीं देते मुसलमान। तो आपको पता है बीजेपी को वोट कम देंगे, जायदा खान का रोल देंगे वोट। यहाँ वाकई पर्सनल वोट है, वो जो वोट मोमडन है ये सीट तो अपनी पर्सनल है, जीते जीतेगी। लोग खा तो जाएंगे इनको, नसर कर देंगे, इसे वोट नहीं देंगे। सूधी बात है, खा जाएंगे, लूटे खा जाएंगे, पैसे ले लेंगे, गाड़ी चलाएंगे, जे कार्बन वोट ये डिब्बा में डाल देंगे। देख लेना उस दिन भी, देख लेना क्या होगा। सूधी बात, अगर कोई ये चीज कहे तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई चुनाव तो ज्यादा का नहीं है, और गहलोत जब सुन कहा गहलोत जी नहीं आ रहा, फलाना बात हो रही, सब झूठी बातें हैं, बकचोदी बातों से फायदा नहीं है। सही थी तहदिल से लोग जो है जायदा के आशिक हैं, जायदा को वोट देंगे। हम भी जिम्मेदार हैं, लोग गांव के जिम्मेदार हैं, जितने सरपंच सारे वोट देंगे, वो कोई आउट नहीं है उससे। अब बताओ सही, उसका चुनाव नू भी कहते हैं ज्यादा टिकट नहीं मिलेगा, नू बता आप भी समझो मीडिया वाले भी, जो लोग मंत्री है, जो संसद में मिनिस्टर है, और जो अशोक गहलोत यहाँ 7 तारीख को आ रहा है, वो टिकट नहीं मिलेगा उसको, तो क्यों क्यों करते ऐसे प्रोग्राम, बता झूठी बात है ना। ऐसी बातों करते हैं कुछ, हर गांव में चंद आदमी होते हैं, हैं चंद आदमी, उसे कोई विवाद नहीं होता। और कोई भी मसला अब एमएलए मंत्री पे रह के, अमरो का गांव में एक पंचायत होनी थी, क्या नाम है जी मजलिस गांव, कौन सा कठोल। तो इस बार कामा से किसको विधायक देखना चाह रहे हैं, जायदा खान को क्यों देखना चाह रहे हैं, वो छवि उसमें योग्यता है, क्या छवि क्या योग्यता है भाई साहब। जितना विकास जायदा खान ने कराया मेवा क्षेत्र में, किसी बंदे ने नहीं कराया। क्या विकास कराया, देखो सड़कों को बनवाना, नाली को लाना, जितना भी मतलब स्कूल शिक्षा, शिक्षा मंत्री भी है, विकास भी कराया है, लोगों को पता सबको। नौकरी कितने बच्चों को दिलाई है, देखो नौकरी की बात मामला अलग है, यहाँ पढ़े लिखे तो है नहीं, लोकल है बच्चे, पढ़े लिखे नहीं, प्लस टू सा नहीं, गुंडे आदमी बहुत है, जो गुंडे बोलते हैं मैं जानता हूँ, 4-5 गुंडे वो बकवास करते हैं, बकचोदी करने से फायदा नहीं होता। ये कौम को लेकर चलते, कौम की विधायक है जायदा खान, 36 बिरादरी चौधरी की बेटी है, उससे लोग मोहब्बत करते हैं, 42,000 से विजेता जिताई है, और वो राजस्थान का दूसरी विजेता है इसी सचिन पायलट के बाद। कौन कहता है जायदा को वोट नहीं देता, बताओ कौन नहीं देता। लोग इस बार कह रहे हैं कि जायदा का टिकट, हर गांव में 4-5 चमचे होते हैं, वो उनको 2,000 रुपए देंगे, 20,000 रुपए मन जाएंगे, वो ऑटोमेटिक सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे जायदा की करेंगे। और 7 तारीख अशोक गहलोत जी आ रहा है, हमारे दरबार में आओगे तो कभी नाराज नहीं जाओगे, हर समस्या का समाधान 100% गारंटी के साथ। बाबा पठान जी 9878170847। समस्या जैसे लव मैरिज किया कराया, सौतन दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, काम कारोबार का ना चलना, लोटो मैक्स हो या लॉटरी नंबर, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, बस एक फोन कॉल अब आपकी बदल सकता है जिंदगी। तो अभी कॉल कीजिए 9878170847।